हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में हम फिर से सब लैटिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं लैटिस के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक को जाकर ज़रूर देखें। और आज मैंने एक वीडियो सेशन अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि फॉर कमिंग 2020 एग्जाम आपका ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है से क्वेश्चन आना, बिकॉज लास्ट टू ईयर से वो क्वेश्चन आपको हैशे और पोसेट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिंस आप लैटिस, उसके प्रॉपर्टीज़, सब लैटिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमें ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम की मदद से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं सब लैटिस का, वेदर दिस इज़ अ सब लैटिस और नॉट। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर कोई आपको पोसेट गिवन है, ठीक है, उस पोसेट में अगर हम किसी भी सबसेट को लें तो वो सब लैटिस होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि सारे पॉइंट्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। देन वी नीड टू ड्रॉ ई एफ एंड डी, सबका नेमिंग कर लीजिए ई एफ डी एंड हेयर इज एफ, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या मैंने सिखाया था आपको कि आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद आप इस डायग्राम को रेफर करेंगे जो भी आपको गिवन रहेगा, और उसमें रिलेशंस चेक करना है। तो क्या ई और एफ में हमें कोई रिलेशन दिख रहा है, तो आप देखिए क्लियरली इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ई का रिलेशन किससे किससे जा रहा है, एफ की तरफ, ए के तरफ, सी के तरफ। तो अगर वो एफ से रिलेटेड नहीं है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। सिमिलरली हम एफ से डी का अगर देखेंगे तो एफ से डी में हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। क्या डी से एफ में दिख रहा है, तो देखिए डी से एफ में है तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और क्या ई और एफ में है, तो ई और एफ में है तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा, आप यहाँ पर ई को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक डायग्राम मिला। अब आप देखिए कि अगर ये डायग्राम है तो इसमें ये वाला हमारा डिसकनेक्टेड है। ई और एफ में आप इस ई और एफ में किसी भी तरीके से इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखो एफ, ठीक है, एफ से ई पे जाने का क्या रास्ता है, तो आप ये समझिए अगर एफ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो एफ से अगर आप शुरू करोगे तो इसके पास ये दो रिलेशन है, तो हम डी पे जाएंगे, डी से एफ पे जाएंगे, और ई पे आने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। तो क्या हम कभी भी जब लैटिस ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम है वो अपवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो आप नीचे नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर एफ को हम इससे देखेंगे एच के रास्ते से, तो एच से एफ पे गए फिर हमें नीचे आना पड़ेगा। इट मीन्स वॉट कि आपका जो ये दो ई और एफ है इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर ये रिलेशन ही नहीं है तो आप इस दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, और अगर ये डिसकनेक्टेड है तो ये सब लैटिस नहीं होगा। तो हमें कैसे देख चेक करना था कि हमें सारे जितने भी आपके यहाँ पे वर्टिसेस दिए होंगे, आप ऐसे समझिए जितने भी नोट्स गिवन होंगे सबके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन नहीं मिला हमें, तो चलिए हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। फिर से हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, टिल देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो फिर से हम अगर इस डायग्राम को रेफर करेंगे तो ए से बी पे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बी से सी पे जा सकते हैं और सी से डी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम बना। अब आप मुझे इस डायग्राम में देख के बताइए, हमारे पास ये ए है, ठीक है, और हमारे पास ये डी है। ए और डी, ए और डी को हम कैसे आपस में मिला सकते हैं, ए और डी पे कैसे जा सकते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आप देखिए ए से हम नीचे तो आ ही नहीं सकते, तो ये रास्ता तो हमारा कट गया, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है, आपको सिंपली डेफिनेशन पे नहीं रट के जाना है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ए से कितने एजेस निकले, तीन, तीन निकले, तो नीचे वाला तो जा ही नहीं सकते, तो नीचे वाला कट गया। आप ई पे गए, ई से एफ पे गए, फिर एफ से नीचे आना पड़ेगा, तो ये रास्ता कट गया। सिमिलरली आप एच से एफ पे जाओगे, फिर ये रास्ता भी कट गया, तो इससे तो सारे रास्ते कट गए। इट मीन्स कि ये वाला जो आपका डायग्राम बना इसमें आप ए और डी को फिर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे वैसे ही ये आपका सब लैटिस भी नहीं होगा। तो सब लैटिस चेक करना बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं समझना है। आप क्या करिए, सिंपली जो भी आपको गिवन रहेगा ऑप्शंस, उस ऑप्शंस में आप
जितने भी रिलेशन बना सकते हैं उतने रिलेशंस को आपको सिर्फ मैच करना है। अगर किसी भी पोजीशन पे आकर इन दो किसी भी पॉइंट्स के बीच में रिलेशन नहीं बना तो आपको हेंस उसको कैंसिल कर देना, वो लैटिस नहीं होगा। उसी तरीके से मैंने आज आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं नेक्स्ट टर्न पर इसका आपको आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ये आपको समझ में आएगा कि आपको ये गिवन जो मैं समझा रही हूँ आप उसको ईजिली समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और इनकेस अगर स्टिल आपका कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वॉट एवर योर डाउट इज। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही एंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।